गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल आईटीआई फीटर एम के माध्यम से बोर डायल गेज के बारे में जानेंगे कि बोर डायल गेज क्या है। यह आंतरिक माप को मापने के लिए उपयोग होने वाला सूक्ष्म मापी औजार है। ये जो आप देख रहे हैं तो इसको हम बोर डायल गेज बोलते हैं और यह आंतरिक माप को मापने के लिए उपयोग होने वाला सूक्ष्म मापी औजार है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक जॉब है और इसके अंदर जो होल है तो इसी को हम बोर बोलते हैं। तो इसे मापने के लिए प्रयोग होने वाला यह एक औजार है। बोर डायल गेज समानता 2 पॉइंट सेल्फ सेंटरिंग टाइप में मिलते हैं। ये जो बोर डायल गेज है तो यह समानता 2 पॉइंट सेल्फ सेंटरिंग टाइप में मिलते हैं। तो 2 पॉइंट कहने का मतलब यहां देखिए, ये जो मापने वाला फेस है एक और ये देखिए इधर दो, तो ये हो गया 2 पॉइंट, ठीक है। और सेल्फ सेंटरिंग मतलब हो गया कि जब हम डायल बोर गेज के द्वारा बोर को नापते हैं तो यह बोर के अंदर अपने आप सेंटरिंग में कर लेता है, मतलब कि अपने आप को खुद केंद्रित कर लेता है। तो इसीलिए इसे 2 पॉइंट सेल्फ सेंटरिंग टाइप बोलते हैं। पार्ट्स मतलब भाग, मतलब बोर डायल गेज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यह जान लें। तो पहला है स्टेम, यह सभी पुर्जा या अंग को एक साथ पकड़ता है तथा इसमें प्लंजर के गति को डायल में पहुंचाने के लिए यंत्रावली लगा होता है। डायल बोर गेज के कौन कौन से भाग है यह जान लें। तो सबसे पहला है स्टेम मतलब तना। तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम स्टेम बोलते हैं और यह सभी पुर्जे या अंग को एक साथ पकड़ता है। जैसे ये देखिए, इसे हम निकाल दिए, फिर इसे निकाल दिए, क्या हो गया, अलग हो गया। और तो ये वाला जो भाग है इसी को हम स्टेम बोलते हैं और यह सभी पुर्जे को एक साथ पकड़ता है। स्टेम में सभी पुर्जा मतलब फिक्स हो चुका है तथा इसमें प्लंजर की गति को डायल में पहुंचाने के लिए यंत्रावली लगी होती है। इसके अंदर यहां पर जो ये आप देख रहे हैं, ये जो प्लंजर है, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं इसी को प्लंजर बोलते हैं। तो इसकी गति को यह डायल में पहुंचाता है। जब हम प्लंजर को दाबते हैं तो ये देखिए क्या हो रहा है, सुई में मूवमेंट हो रहा है, मतलब प्लंजर की गति को डायल में पहुंच रहा है। किसके द्वारा, स्टेम के द्वारा। तो यहां यही चीज बोला जा रहा है कि इसमें प्लंजर की गति को डायल में पहुंचाने के लिए इसके अंदर मैकेनिज्म लगा होता है। दूसरा, फिक्स एनविल इंसर्ट, यह एनविल इंटरचेंजेबल मतलब बदले जा सकने वाले होते हैं। दूसरा है फिक्स एनविल या इंसर्ट। तो ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम फिक्स एनविल बोलते हैं और यह एनविल इंटरचेंजेबल मतलब बदले जा सकने वाले होते हैं। तो इसे हम खोल के क्या कर रहे हैं, बदल सकते हैं। तो ये देखिए इसी को हम फिक्स एनविल बोलते हैं। एनविल का चयन मापे जाने वाले बोर्ड के व्यास पर निर्भर करता है।
ये जो एनविल है तो एनविल का चयन मापे जाने वाले बोर के व्यास पर निर्भर करता है। मतलब जैसा बोर का साइज होगा उसी के अनुसार हम इसे बदल सकते हैं। अगर हमें छोटा साइज का नापना है तो हम ये जो देख रहे हैं छोटा एनविल लेंगे। अगर हमें बड़ा साइज का बोर नापना है तो बड़ा एनविल लेंगे। कुछ प्रकार के बोर डायल गेज में माप के सीमा को बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन रिंग और बार्सर की व्यवस्था रहती है। कुछ प्रकार के बोर डायल गेज में ये जो मापने की सीमा है तो मापने की सीमा को बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन रिंग, तो ये जो देख रहे हैं एक्सटेंशन रिंग और ये जो देख रहे हैं बार्सर है, तो ये एक्सटेंशन रिंग और ये बार्सर की व्यवस्था होती है। कहने का मतलब ये जो अभी जो इसका साइज है तो इसका साइज को हमें कुछ बढ़ाना है तो इसे खोलते हैं और खोलकर इसके अंदर हम एक्सटेंशन रिंग या बार्सर को लगाते हैं। तो जितना मोटा बार्सर होगा, मान लिया जाए यह 3 mm का बार्सर है, तो 3 mm का बार्सर जब हम यहां सेट करेंगे तो इसका साइज क्या हो गया, 3 mm बड़ा हो गया। और फिर इसे कस देते हैं। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि कुछ प्रकार के बोर डायल गेज में ये जो माप की सीमा है इसे बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन रिंग और बार्सर की व्यवस्था रहती है। तीसरा, स्लाइडिंग प्लंजर। यह माप की रीडिंग को पढ़ने के लिए डायल के मूवमेंट को चलाते हैं। स्लाइडिंग प्लंजर, तो ये जो देख रहे हैं ये देखिए ये जो अप एंड डाउन हो रहा है तो इसी को हम स्लाइडिंग प्लंजर बोलते हैं। तो स्लाइडिंग प्लंजर माप की रीडिंग को पढ़ने के लिए डायल के मूवमेंट को चलाता है। मतलब ये जो स्लाइडिंग प्लंजर जब अप एंड डाउन होता है तो ये देखिए क्या हो रहा, यहाँ पे जो माप होगा वह यहाँ पे शो करेगा। मतलब माप की रीडिंग पढ़ने के लिए डायल के मूवमेंट को चलाता है। चौथा, सेंट्रिंग शूज स्पेरिकल सपोर्ट्स। तो कुछ प्रकार के बोर डायल गेज में एक जोड़ा ग्राइंड किए हुए डिस्क की व्यवस्था रहती है। ये बोर के केंद्र में मापने वाले फेसेस को अलाइनमेंट में बनाए रखता है। सेंट्रिंग शू या स्पेरिकल सपोर्ट्स, तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम सेंट्रिंग शूज बोलते हैं। तो कुछ प्रकार के बोर डायल गेज में एक जोड़ा ग्राइंड किया हुआ डिस्क की व्यवस्था रहता है। तो यहां देखिए, इसमें भी देखिए, इसे हम खोल कर दिखाते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं ये जो है एक जोड़ा ग्राइंड किया हुआ डिस्क है। इसका ये फायदा होता है कि ये जो सेंट्रिंग शूज है इसका फायदा यह है कि ये बोर के केंद्र में, यहां जो हम देख रहे हैं इस ये एक बोर है, तो इस बोर के केंद्र में मापने वाला जो फेस है, ये जो दोनों मापने वाला फेस है, मापने वाले फेस को अलाइनमेंट में, मतलब कि एक सीध में बनाए रखता है। क्या कर रहा, एक सीध में इसे बनाए रखता है।
कुछ प्रकार के बोर डायल गेज में स्प्रिंग लोडेड दो गोलाकार सपोर्ट की व्यवस्था रहती है। कुछ प्रकार के बोर डायल गेज में स्प्रिंग लोडेड दो गोलाकार सपोर्ट की व्यवस्था रहती है। तो यहां देखिए, ये दो गोलाकार सपोर्ट की व्यवस्था है स्प्रिंग लोडेड। ये देखिए क्या है, स्प्रिंग लोडेड। फिर इसमें भी देखिए, ये देखिए क्या है, ये स्प्रिंग लोडेड है, दो गोलाकार सपोर्ट है इसमें। ये देखिए, तो यहां देख ले कि तीनों जो देख रहे हैं तो इसमें क्या है, ये जो देख रहे हैं तो ये हो गया सेंटरिंग शू, ठीक, और इसमें है स्प्रिंग लोडेड दो गोलाकार सपोर्ट, और इसमें भी देखिए ये। पांचवा, डायल इंडिकेटर। बोर डायल गेज के डायल इंडिकेटर पर माप के निशान अंकित रहते हैं। डायल इंडिकेटर, तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम डायल इंडिकेटर बोलते हैं। तो बोर डायल गेज के डायल इंडिकेटर पर माप के निशान अंकित होते हैं। तो यहां देखिए, जब हम गौर से देख रहे हैं तो इस पर क्या है, माप के निशान अंकित हैं। माप के निशान क्लॉक वाइज तथा एंटी क्लॉक वाइज दिशा में अंकित रहते हैं। ये जो डायल इंडिकेटर है, तो डायल इंडिकेटर पर जो ये माप के निशान है, मतलब ग्रेजुएशन, वह क्लॉक वाइज तथा एंटी क्लॉक वाइज दिशा में अंकित होते हैं। यहां हम देख रहे हैं, ये क्लॉक वाइज हो गया और ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज। तो यहां भी देखें कि ये क्लॉक वाइज हो गया और ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज, मतलब कि माप के निशान क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दिशा में अंकित होते हैं। बोर डायल गेज मापने के विभिन्न रेंज के साथ विभिन्न साइज में मिलते हैं, जैसे 6 से 10 एमएम, 10 से 15 एमएम, 15 से 35 एमएम, 35 से 60 एमएम। बोर डायल गेज मापने के विभिन्न साइज के साथ विभिन्न रेंज में मिलते हैं, जैसे मेजरिंग रेंज या साइज ऑफ बोर गेज, जैसे 6 से 10 एमएम का, 10 से 15 एमएम का, 15 से 35 एमएम का, 35 से 60 एमएम का। इसी तरह विभिन्न साइज में बोर डायल गेज मिलते हैं। और दूसरा हो गया इफेक्टिव मेजरिंग रेंज, मतलब प्लंजर स्टॉक रेंज, मतलब बोर डायल गेज का जो प्लंजर है वह कितना अप एंड डाउन होता है वह यह बताता है कि प्लंजर स्टॉक रेंज क्या है। तो ये होता है 0.8 एमएम या 1.2 एमएम या 1.6 एमएम। ये जो आप बोर डायल गेज देख रहे हैं तो यह विभिन्न साइज के साथ विभिन्न रेंज में मिलते हैं। तो पहले जान लें विभिन्न साइज, मतलब कि 6 से 10 एमएम, 10 से 15 एमएम, 15 से 35 एमएम, 35 से 60 एमएम। इसी तरह यह विभिन्न साइज के बोर को इसके द्वारा हम नाप सकते हैं। इसके बॉक्स पर भी हम देख सकते हैं, सिलेंडर बोर डायल गेज कैपेसिटी 18 से 35 एमएम, मतलब इससे हम 18 से 35 एमएम का जो बोर होगा उसे हम नाप सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, सिलेंडर बोर डायल गेज कैपेसिटी 35 से 50 एमएम। और दूसरा आता है इसका इफेक्टिव मेजरिंग रेंज, मतलब प्लंजर स्टॉक रेंज। प्लंजर हो गया जो ये आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना छोटा सा, तो इसी को हम प्लंजर बोलते हैं, जो अप एंड डाउन हो रहा, तो ये इसी को हम प्लंजर स्टॉक बोलते हैं, मतलब कि ये कितना अप एंड डाउन होता है। तो किसी किसी
डायल बोर गेज में 0.8 mm होता है, किसी किसी में 1.2 mm होता है और किसी किसी में 1.6 mm होता है। तो यहां इसीलिए बोला जा रहा है कि बोर डायल गेज विभिन्न साइज के साथ विभिन्न रेंज में मिलते हैं। विभिन्न साइज को मापने के लिए इंटरचेंजेबल मेजरिंग रड्स या एक्सटर्नल रड और एक्सटेंशन रिंग और बार्सर होते हैं। विभिन्न साइज को मापने के लिए मतलब ये जो बोर्ड देख रहे हैं तो विभिन्न साइज का अगर यह बोर्ड होगा तो उसे मापने के लिए इंटरचेंजेबल मतलब बदले जा सकने वाला मेजरिंग रड, ये जो देख रहे हैं या मेजरिंग रड या एक्सटर्नल रड भी बोलते हैं, और एक्सटेंशन रिंग, ये जो देख रहे हैं एक्सटेंशन रिंग या बार्सर होते हैं। मतलब कि जैसा साइज होगा उसी के अनुसार इस रड का चयन करते हैं। अगर साइज छोटा है तो ये जो छोटा वाला है, छोटा वाला इसमें लगाते हैं, ये देखिए। अगर बड़ा साइज है तो इसे खोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं बड़ा तो इसे लगाते हैं। अगर इसमें 1 mm, 0.5 mm या 2 mm इसका साइज और बढ़ाना है तो इसे खोलते हैं, और ये जो आप बार्सर देख रहे हैं, जैसे ये बार्सर 3 mm का है तो इस बार्सर को यहाँ पे लगाते हैं, इस बार्सर को यहाँ लगाते हैं और फिर इसे इसमें सेट करके इसे टाइट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब बोर डायल गेज की एक्यूरेसी, इसमें प्रयोग किए गए डायल इंडिकेटर के लिस्ट काउंट के प्रकार पर निर्भर होता है। सामान्यतः उपयोग होने वाले डायल टेस्ट इंडिकेटर की एक्यूरेसी 0.001 mm और 0.01 mm होता है। ये जो आप बोर डायल गेज देख रहे हैं तो इसकी एक्यूरेसी इसमें प्रयोग किए गए डायल इंडिकेटर की ग्रेजुएशन के प्रकार पर निर्भर करता है। तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम डायल इंडिकेटर बोलते हैं, और इसका जो लिस्ट काउंट होता है उसी पर पूरा बोर डायल गेज की शुद्धता निर्भर करता है। सामान्यतः उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी 0.001 mm और 0.01 mm होता है। मतलब दो लाइनों की बीच की दूरी इस डायल इंडिकेटर में 0.001 mm है, और इस इंडिकेटर में दो लाइनों की बीच की दूरी 0.01 mm होता है। बोर डायल गेज की रीडिंग लेना या डायल इंडिकेटर की रीडिंग लेना या बोर डायल गेज का प्रयोग कैसे करते हैं यह जान लें। तो रीडिंग लेते समय सबसे पहले डायल इंडिकेटर की लिस्ट काउंट चेक करें जो कि डायल पर अंकित रहता है या नहीं भी। ये जो आप बोर डायल गेज देख रहे हैं तो इसके द्वारा किसी बोर को कैसे नापते हैं और डायल इंडिकेटर की रीडिंग कैसे लेते हैं यह जानते हैं। तो रीडिंग लेते समय सबसे पहले ये जो डायल इंडिकेटर है तो डायल इंडिकेटर का लिस्ट काउंट कितना है इसे चेक करें जो कि इसके डायल पर ही अंकित रहता है। यहां देखिए, यहां हम देख रहे हैं कि इसके डायल पे कितना अंकित है 0.01 mm जो कि इस डायल इंडिकेटर का लिस्ट काउंट है। यहां देख ले, ये जो डायल इंडिकेटर है तो इस डायल इंडिकेटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm है, और
इस डायल इंडिकेटर का लिस्ट काउंट 0.001 mm है, जो कि इसके डायल पर ही अंकित रहता है। अगर लिस्ट काउंट अंकित नहीं है तो डायल इंडिकेटर की मापने की रेंज मालूम होना चाहिए, मतलब डायल इंडिकेटर के अंदर जो मैकेनिज्म है उसके द्वारा डायल पर अंकित पूरे माप के निशान को सुई द्वारा चलने पर कितना एमएम की दूरी तय करता है और डायल पर सब डिवीजन के पूरे कितने निशान अंकित है मालूम होना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल देख लें, यह एक डायल इंडिकेटर है, तो इस डायल इंडिकेटर की मापने की रेंज 0.8 mm है, ठीक है, मतलब 40 से 0 और फिर 0 से 40 पूरी दूरी को सुई द्वारा चलने पर 0.8 mm की दूरी तय करता है। तो यहां देख रहे हैं ये जो 40 है, 40 से लेकर 0 और फिर 0 से लेकर 40, मतलब इस 40 से लेकर इस 40 तक जब सुई चलता है तो वह 0.8 mm की दूरी तय करता है और डायल पर पूरा सब डिवीजन 80 है, मतलब टोटल 80 निशान है, मतलब इस 40 से लेकर इस 40 तक टोटल 80 निशान है। तो इस प्रकार प्रत्येक निशान की दूरी 0.8 को 80 से भागा दे देंगे तो 0.01 mm हुआ, मतलब दो निशानों की बीच की दूरी 0.01 mm हुआ, जो कि लिस्ट काउंट भी कहलाता है, मतलब इस डायल इंडिकेटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm हुआ। अगर डायल इंडिकेटर पर लिस्ट काउंट अंकित नहीं है, मतलब कि यहां जो हम देख रहे हैं इस डायल इंडिकेटर पर लिस्ट काउंट अंकित नहीं है, तो इस तरह के डायल इंडिकेटर की मापने की रेंज मालूम होना चाहिए, मतलब डायल इंडिकेटर के अंदर ये जो डायल इंडिकेटर है इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है, जैसे ये डायल इंडिकेटर है और इसके अंदर ये देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो मैकेनिज्म है इसके द्वारा डायल पर अंकित जो माप के पूरे निशान है, तो माप के पूरे निशान को सुई द्वारा चलने पर कितना एमएम की दूरी तय करता है, ठीक है, तो उसी को रेंज बोलते हैं, मतलब कि ये जो सुई है इस 40 से लेकर 0 और फिर 0 से लेकर 40, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जब सुई चलता है तो वह कितना एमएम की दूरी तय किया यह मालूम होना चाहिए। और ये जो डायल है तो डायल पर सब डिवीजन के पूरे कितने निशान है यह मालूम होना चाहिए। अब हम यहां देख लेते हैं कि इस डायल इंडिकेटर की मापने की रेंज कितना है, 0.8 mm मापने का रेंज है, 0.8 mm, ठीक, मतलब 40 से 0 और 0 से फिर 40 पूरी दूरी को सुई द्वारा चलने पर 0.8 mm की दूरी तय करता है और डायल पर पूरे सब डिवीजन 80 है, मतलब कि ये जो टोटल इस पे निशान अंकित है वह 80 निशान अंकित है। तो इस प्रकार ये जो प्रत्येक डिवीजन निशान की दूरी ये जो 0.8 है, 0.8 mm, इससे जितना निशान है तो कितना निशान है, 80 निशान है, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.01 mm, मतलब दो निशानों की बीच की दूरी 0.01 mm हुआ, यही लिस्ट काउंट कहलाता है। मतलब मुख्य रूप से
जब भी हम किसी बोर डायल गेज द्वारा किसी बोर को जांचते हैं तो इस बोर डायल गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वह हमें मालूम होना चाहिए। फिर जिस बोर को जांचना है उसके अनुसार मेजरिंग रड को लगाते हैं। याद रखिएगा, अगर हम 50 mm बोर को जांचना है तो हम 50 mm का मेजरिंग रड लगाते हैं, लेकिन जब हम बोर डायल गेज के दोनों मेजरिंग फेस के बीच की दूरी को नापते हैं तो वह 50 mm से कुछ अधिक होता है। मतलब अगर हम 50 mm का बोर नापने के लिए 50 mm का मेजरिंग रड लगाते हैं और जब बोर डायल गेज के ये जो मेजरिंग फेस है दोनों इसके बीच के डिस्टेंस को नापते हैं तो वह 50 mm से अधिक होता है। इसका कारण यह है कि जिस साइज का बोर नापना है उस साइज से दोनों मेजरिंग फेस की दूरी प्लंजर के मूवमेंट का लगभग आधा अधिक होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि उस बोर का साइज सही साइज से कम है या अधिक। फिर जिस बोर को जांचना है, यहां पर हम देख रहे हैं इस बोर का जांच हमें डायल बोर गेज से करना है, तो इसके अनुसार हम ये जो मेजरिंग रड है इसका चयन करते हैं। तो इस बोर को जांचना है तो इसका बेसिक साइज 51 mm है, ठीक है, 51 mm बेसिक साइज से इसका तुलना करना है, ठीक है ना। तो 51 के लिए यहां देखिए, यहां हम देख रहे हैं कि 50 के लिए ये वाला रड का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या हो गया 50 mm और 1 mm का बार्सल ले लेंगे, ये जो देख रहे 1 mm, तो 50 और 1 51 mm हो गया। तो इसे अब हम यहां लगाते हैं और फिर ये जो आप देख रहे हैं इसे ओपन करते हैं और फिर इसे लगाते हैं, तो ये साइज हो गया 51 mm। एक चीज याद रखिएगा, अगर हमें 51 mm बोर को जांचना है तो हमें 51 mm का मेजरिंग रड लगाते हैं, लेकिन डायल बोर गेज के दोनों मेजरिंग फेस, ये जो मेजरिंग फेस देख रहे हैं दोनों मेजरिंग फेस के बीच की दूरी वहां, मतलब कि यहां पर 51 mm से कुछ अधिक होता है। यहां तो हम 51 mm का रड लगा लिए, अगर हम इसके दोनों मेजरिंग फेस, ये जो देख रहे हैं दोनों मेजरिंग फेस की बीच को अगर हम नापेंगे तो यह 51 mm से कुछ ज्यादा होता है। इसका कारण यह है कि जिस साइज का बोर नापना है उस साइज से दोनों मेजरिंग फेस की दूरी कुछ अधिक होना चाहिए, मतलब प्लंजर के मूवमेंट का लगभग आधा। ये जो प्लंजर देख रहे हैं, ये जो आप प्लंजर देख रहे हैं इसके मूवमेंट का आधा अधिक होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि इस बोर का साइज सही साइज से, मतलब कि इसका बेसिक साइज से कम है या अधिक। अगर एक्यूरेट 51 mm होगा और बोर का साइज 51 mm से बड़ा हुआ तो हम उस साइज को नहीं माप सकते, इसलिए बेसिक साइज से माप को कुछ बड़ा रखा जाता है। फिर माप लेने से पूर्व बोर डायल गेज को शून्य पर सेट कर लेना चाहिए, इसके लिए सेटिंग रिंग मिलते हैं या सेटिंग फिक्सचर पर फिक्स किए हुए स्लिप गेज को भी जीरो सेटिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है।
यहां हम देख रहे हैं कि 50 mm का रड और 1 mm का बार्सल लेकर हम 51 mm कंप्लीट किए और अब इसके द्वारा जब हम बोर को नापते हैं तो माप लेने से पूर्व ये जो डायल गेज है डायल गेज को शून्य पर सेट कर लेना चाहिए। तो इसके लिए सेटिंग रिंग मिलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं यह एक सेटिंग रिंग है और इसका साइज कितना है 51 mm। तो इसी प्रकार जिस साइज के बोर को हमें नापना है उसके बेसिक साइज का सेटिंग रिंग लेकर हम बोर डायल गेज को जीरो सेट करते हैं। अगर हमें 40 mm बेसिक साइज से तुलना करना है माने मापना है तो ये जो सेटिंग रिंग है यह हम 40 mm का लेगा। तो यहाँ पर हमें 51 mm बेसिक साइज से इसको मापना है तो हमने 51 mm का सेटिंग रिंग लिया और अब हम इसे जीरो सेटिंग करेंगे। तो जीरो सेटिंग करने के लिए इसके अंदर हम इस प्रकार बोर डायल गेज को घुसाते हैं और यहां हम देखते हैं तो यहां पर देख रहे हैं कि यह सुई यहां पर स्थिर है तो ये 20 और 30 के बीच में है। तो ये जो जीरो है जीरो को सुई के पास लाया जाता है। तो इसके लिए इसे घुमाते हैं, इसे घुमाकर यहां देखिए जो जीरो है जीरो के पास सुई को मिला दिए तो इसी को हम जीरो सेटिंग बोलते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि सुई एक्यूरेट जीरो से मिल चुका है तो इसी को जीरो सेटिंग बोलते हैं। ये जो आप बोर डायल गेज देख रहे हैं तो इसका जीरो सेटिंग हम सेटिंग रिंग के द्वारा किए हैं और अब हम इस बोर डायल गेज की जीरो सेटिंग ये जो स्लिप गेज फिक्सर है इसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यह स्लिप गेज फिक्सर है और ये जो देख रहे हैं स्लिप गेज है, ठीक है। तो हमें जीरो सेटिंग 51 mm का करना है तो 51 mm का स्लिप गेज लेते हैं। तो इसके लिए ये 50 mm का स्लिप गेज लेते हैं फिर 1 mm का स्लिप गेज लेते हैं और इसे आपस में रिंगिंग क्रिया द्वारा जोड़कर 51 mm साइज बनाते हैं। यहां देख रहे हैं कि आपस में यह जुट गया तो यह साइज हो गया 51 mm और इसे हम का स्लिप गेज यहां पे लगेगा और एक दूसरा 51 mm का स्लिप गेज यहां पे लगेगा। तो पहला 51 का यहां पे लगा चुके हैं और इसी तरह एक दूसरा 51 mm का स्लिप गेज यहां पे लगेगा। तो इसके लिए ये 40 mm का स्लिप गेज लेते हैं फिर 6 mm का लेते हैं और फिर 5 mm का लेते हैं और तो 40 5 और 6 कितना हो गया 51 mm और तीनों को आपस में रिंगिंग क्रिया द्वारा जोड़ते हैं। तो ये टोटल साइज कितना हो गया 51 mm। तो इसे भी इसे यहां पे लगाते हैं और फिर दोनों को कसते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 51 mm और अब
तो अब इस बोर्ड डायल गेज की जीरो सेटिंग करते हैं, तो इसे हम इस प्रकार यहां रखते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि सुई यहां पर है, तो अब इसे घुमाकर तो यहां पर देख रहे हैं कि सुई 10 के आसपास है और जीरो यहां पर है, तो इस जीरो को सुई से मिलाया जाता है। तो इसे घुमाते हैं, तो यहां देख रहे हैं कि जीरो को सुई से मिला दिया गया है, तो इसी को जीरो सेटिंग बोलते हैं। ये जो बोर डायल गेज है तो इसका जीरो सेटिंग हम आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा भी कर सकते हैं। इंडिकेटर क्लॉकवाइज दिशा में धनात्मक डिविएशन तथा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ऋणात्मक डिविएशन दर्शाता है। याद रखिएगा, अगर हम किसी बोर्ड के डायमीटर को जांच रहे हैं और सुई धनात्मक डिविएशन में जाती है तो माप को बेसिक साइज से घटाते हैं। एग्जाम्पल 51 mm बेसिक साइज है और सुई 5 सब डिविजन लाइन धनात्मक तरफ गया, तो बोर्ड का साइज 51 - 0.05 बराबर 50.95 mm होगा। ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं तो इंडिकेटर क्लॉक वाइज दिशा में धनात्मक डिविएशन, मतलब यहां जो हम देख रहे हैं यह इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर में जब सुई जीरो से लेकर 40 तक इस दिशा में जाता है तो इसे हम धनात्मक डिविएशन कहते हैं। और ये जो सुई है जब यह जीरो से 40 तक इस दिशा में जाता है तो इसे ऋणात्मक डिविएशन कहते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, अगर हम किसी बोर्ड ये जो देख रहे हैं किसी बोर्ड के डायमीटर का जांच कर रहे हैं और धनात्मक डिविएशन में सुई जाती है तो बेसिक साइज से उस मान को घटाते हैं। एक एग्जांपल देख लें, अगर बेसिक साइज 51 mm है, 51 mm क्या है बेसिक साइज, और यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो सुई है या धनात्मक डिविएशन में कितना सब डिविजन पार किया, 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें मालूम है एक सब डिविजन का मान 0.01 mm है, तो कितना पार किया 5, तो 5 सब डिविजन का मान होगा 5 × 0.01 mm बराबर 0.05 mm। ठीक है, तो ये हो गया, तो इस मान को बेसिक माप से क्या करेंगे घटाते हैं क्योंकि यह धनात्मक डिविएशन में गया, तो हो जाएगा 51 mm माइनस 0.05 mm, इसको माइनस करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 50.95 mm। ठीक है, इसमें माइनस इसलिए किया क्योंकि सुई धनात्मक डिविएशन में गया, अगर सुई ऋणात्मक डिविएशन में जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा। जितना माप का निशान मतलब जितना सब डिविजन सुई पार करेगा वह प्लस में हो जाएगा। ये हो गया धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक। अब माप लेते समय स्प्रिंग लोडेड सिरे मतलब प्लंजर को मापे जाने वाले बोर्ड के अंदर डाला जाता है।
फिर मापने वाले फेसेस को सही स्थिति में रखने के लिए बोर डायल गेज को धीरे से हिलाएं और स्थिर करें। तो यहां पर हमने देखा कि बोर डायल गेज का जीरो सेटिंग कर लिए हैं। अब माप लेते समय ये जो स्प्रिंग लोडेड ये जो प्लंजर है, प्लंजर को मापे जाने वाले बोर्ड के अंडर डाला जाता है। तो इसे डालने के लिए इसे इस प्रकार रखते हैं और फिर ये करते हैं, फिर मापने वाला जो फेस है इसे सही स्थिति में रखने के लिए बोर्ड डायल गेज को थोड़ा सा हिलाते हैं और जहां पे मापना है उसे वहां पर ले जाकर स्थिर करते हैं इस प्रकार। फिर सुई को देखें कि सुई धनात्मक डिविएशन या ऋणात्मक डिविएशन में गया है। अगर धनात्मक डिविएशन में सुई चली तो कितना लाइन पार किया है उसे बेसिक साइज से घटाकर बोर्ड का साइज प्राप्त करें। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेसिक साइज 51 mm है और सुई 12 लाइन धनात्मक डिविएशन में गया तो साइज होगा 51 minus 0.01 into 12 = 51 minus 0.12 = 50.88 mm होगा। एक दूसरा देख लेते हैं जिसका बेसिक साइज 51 mm है और सुई 10 और 11 लाइन के बीच में धनात्मक डिविएशन में गया तो साइज हो जाएगा 51 minus 0.01 into 10 = 51 minus 0.10 = 50.90 mm और 51 minus 0.01 into 11 51 minus 0.11 = 50.89 mm तो इसका आंसर हो जाएगा 50.89 mm से लेकर 50.90 mm। अब हमें सुई को देखना चाहिए कि सुई धनात्मक डिविएशन में गया है कि ऋणात्मक डिविएशन में गया है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो सुई है धनात्मक डिविएशन में गया है और यह 10 सब डिवीजन लाइन से मिल रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं कि सुई 10 सब डिवीजन लाइन से मिल रहा है। तो अब हम इसका साइज निकालते हैं। तो बेसिक साइज कितना था? 51 mm। सुई 10 लाइन धनात्मक डिविएशन में गया तो साइज हो गया 51 minus 0.01, ये हो गया एक डिवीजन का मान। तो कितना डिवीजन गया? 10 डिवीजन। तो 51 minus 0.10 = 50.90 mm। तो इस प्रकार इस डायल का रीडिंग 50.90 mm हुआ। इस प्रकार इस बोर्ड का साइज 50.90 mm हुआ। एक और उदाहरण देख ले। मापने की रेंज 39.6 से लेकर 40.4 है और बेसिक माप 40 mm है। इंडिकेटर धनात्मक साइड में 5 तथा 6 डिविएशन के बीच है। तो इसका आंसर देख ले, रेंज पहले निकालते हैं। तो रेंज क्या है? 40.4 minus 39.6 = 0.8 mm, मतलब 0.8 mm रेंज है। तो और डायल पर टोटल निशान 80 है तो एक निशान का मान 0.8/80 = 0.01 mm होगा। सुई 5 तथा 6 लाइन के बीच में है तो 0.01 into 5 = 0.05 mm और 0.01 into 6 = 0.06 mm। तो अब
इसे हम जो बेसिक साइज है बेसिक साइज में से घटाते हैं, क्योंकि सुई धनात्मक डिविएशन में गया है। तो 40 - 0.05 बराबर 39.95 और 40 - 0.06 बराबर 39.94 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा 39.94 mm से लेकर 39.95 mm।